वहीं मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ सागर पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ ऐसा माहौल बनेगा। हमें निवेश के लिए माहौल बनाना है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देगी। आपको बता दें कि सीएम ने मंच से एक बार नहीं बल्कि आरक्षण दिए जाने की बात को दो बार दोहराया और फिर भाजपा की पूर्व में रही शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 15 साल तक प्रदेश में रही लेकिन ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर चुप्पी साधे रही।